हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने के जा रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है ऑटो टेंडर। पहले तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ऑटो टेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑप्शन डेटा के रिलेटेड जो है नॉलेज देता है कि कौन सी स्ट्राइक्स पे कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है या कम हो रहा है। जहाँ पे ऑप्शन डेटा अच्छा दिख रहा है, आप वो साइड पे ट्रेड दे सकते हैं। वो अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसमें ट्रेड देख सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए और आपको बाय कहाँ करना चाहिए, सेल कहाँ करना चाहिए। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं हेल्प कर सकती हैं। बाइंग में थोड़ा सा इसका आप मानेंगे कि रिज़ल्ट कम ही रहता है, सेलिंग में तो काफ़ी बढ़िया रहता है। बाइंग में भी मतलब ये नहीं है, जब मार्केट वन वे निकलेगी और अच्छा मार्केट हो सकता है, जैसे कि मार्केट आज की डेट का मार्केट आप देख, बिल्कुल वन वे चला है, एक आधा डिप मिला है, डिप में कुछ और एक्युमुलेट किया किसी ने या किसी ने नया लॉन्ग बिल्ड किया, तो आप देख सकते हैं कि करेक्शन में या थोड़ी सी एक किसी डिप में आप मार्केट को बाय कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आपके पास एक डेटा का एनालिसिस है, डेटा को देख के अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसको उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो जिस हिसाब से डेटा आपको बता रहा। चार्ट देखना अलग चीज़ है और डेटा देखना अलग चीज़ है। चार्ट आपको ये बता सकता है कि ये मार्केट ये साइड पर जाएगा, लेकिन डेटा अगर चेंज हो रहा है तो चार्ट में स्ट्रेंथ है या नहीं है वो डेटा बताता है आपको। अगर डेटा स्ट्रांग है प्लस चार्ट स्ट्रांग है तो आप जो है अपनी फुल क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं ऑटो टेंडर के होम पेज पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटो टेंडर का होम पेज है। इसमें ये इंफॉर्मेशन वगैरह आपको जो है मिलती है कि जहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है तो मतलब वो साइड बुलिश है, जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है तो वो नेगेटिव साइड है। जैसे 15 मिनट और 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन सा स्टॉक बुलिश है, जैसे ये लाइन दिख रही है आपको, टॉन फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वो जो भी स्टॉक यहाँ पे आपको आएंगे ये फर्स्ट लेयर में, ये वो स्टॉक्स हैं जो 5 मिनट से 15 मिनट में बुलिश हैं। दूसरा ये यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे ये रेड में आपको दिख रहा है, मंथ के सीमेंस जो है आज की डेट में बेरिश है 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 80% एंड ऑल स्टॉक्स। कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है और सेलिंग कम हो रही है, मतलब सेलर्स उसमें उतने हैं नहीं और बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए। जैसे देखें डाबर, टाटा स्टील, काफ़ी बढ़िया एक मोमेंटम मिला है देखें आज के दिन में। तो उसके बाद आर स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया डेटा में स्ट्रेंथ है कि डेटा बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसके हिसाब से जो है आर स्ट्रेंथ मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ के में ये दो स्टॉक आ रहे हैं, हिंडाल्को एंड टाटा स्टील। उसके बाद इंडेक्स व्यू, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या साइडवेज है, वो आपको ये वाली लेयर में दिखता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ जहाँ डेटा पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे डेटा नेगेटिव और डेटा साइडवेज भी लिखा आता है। जब भी मार्केट साइडवेज रहती है या डेटा में कोई ज़्यादा बिल्डअप नहीं होता तो ये मार्केट का जो है उस हिसाब से आपको ये वाला प्रिडिक्ट करके बताता है कि डेटा क्या बोल रहा है। दो चीज़ें ये आपको क्लियर हो गई कि ये वाला जो पैच है आपने देख लिया, 15 मिनट 80% और आर स्ट्रेंथ इंडेक्स व्यू, ये तीन चार चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हैं। और ये यहाँ पे कॉल साइड और क्वांटिटी ओपन इंटरेस्ट डेटा इंडिकेटर कॉल साइड का, ये कॉल साइड की क्वांटिटी जो है मेजर क्वांटिटीज कौन कौन साइड पे हैं। जैसे भी मार्केट 15,800 है तो 15,700 से लेते हैं 16,000 तक, ठीक है, और दूसरी साइड इसी को लेते हैं 15,600 से 15,900 तक। तो इसमें अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका बाय और सेल सिग्नल कैसे देख सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है स्टॉक स्ट्रेंथ,
ये स्टॉक्स के स्ट्रेंथ बताता है कि 15 मिनट में, 30 मिनट में, 7 मिनट डेली और वीकली में कौन सा स्टॉक, सॉरी स्टॉक्स नहीं, सेक्टर बुलिश है, ये वो सेक्टर है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक हम इसमें देख के ले सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आज की डेट में बुलिश है और कौन से स्टॉक पे हम बैट लगा सकते हैं। तो अपना मैं टेलीग्राम का जो लिंक है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें अभी हम लगभग 1-1.5 महीने तक जो है ऑटो टेंडर के सारे लेवल्स जो हैं फ्री में देते हैं, उनके कोई चार्जेस अभी नहीं है। इन केस कभी फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान होगा तो अभी हमने वैसा कोई प्लान किया नहीं है, सोचा नहीं है, अभी बिल्कुल एक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये वाला सॉफ्टवेयर आपको लेने जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, 1 मंथ की और 6 मंथ, सॉरी हाँ 1 मंथ नहीं, 3 1/4 हाफ ईयर एंड ईयरली जो है सब्सक्रिप्शन रहती है इसकी। तो अगर आप जो है इसका इंडेक्स ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वाला सॉफ्टवेयर आपके काफ़ी काम का हो सकता है। तो उसके बाद देखते हैं हम इसका बाय और सेल सिग्नल। जैसे डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे आप तो आपको एक ऐसा चार्ट दिखेगा, ये इसमें निफ्टी ऑप्शन है कॉल साइड का डेटा और ये पुट साइड का डेटा है, ये ओपन इंटरेस्ट जो भी है ये डेटा आपको ये बताता है कि कौन सी स्ट्राइक पे कितनी कॉल राइटिंग हो रही है और कौन सी स्ट्राइक पे कितनी पुट राइटिंग हो रही है। जैसे ये देखें, आपको स्टॉक ने सुबह 9:30 पे बाय का सिग्नल दिया और पूरे दिन बाय का ही सिग्नल रहा, कोई भी सेलिंग का सिग्नल नहीं आया। ये वीवैप लेवल्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी मार्केट वीवैप लेवल के ऊपर हो तो आप बैट लगा सकते हैं बाइंग साइड पे, अगर वीवैप लेवल के नीचे है मार्केट तो आप सेल साइड में एक बैट लगा सकते हैं। वैसे तो ऑटो ट्रेडर को यूज़ करने से आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी ये बढ़ जाती है कि डेटा आपके फेवर में रहता है, आप अगेंस्ट द डेटा नहीं जाते हैं। जैसे अगर कोई भी आप देखेंगे यहाँ सुबह 29 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट था और इसके अगेंस्ट पुट साइड में 30 लाख का बिल्कुल एक जैसा था। अभी यहाँ पे डेटा अगर आपको पता है तो आपको पता है कि यहाँ मार्केट एक जैसी ही रहेगी, ऊपर नीचे चलेगी, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 लाख का डिफरेंस है। और जो ही 9:45 होते हैं, ऑटो टेंडर का ये कहना है कि 10 बजे के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं, 10 बजे के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। और 9:45 पे देखें आप, ये वाला जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट था ये कन्वर्ट हो गया डबल, बल्कि डबल से भी ज़्यादा, 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया यहाँ पे, और ये वाला जो है 46, अभी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, जैसे 17 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे ये 74 लाख हुआ, ये 63 लाख, 77, 75, और यहाँ देखें आप ये दो लेवल्स जो बराबर हुए एक जैसे हुए तो यहाँ पे वीवैप पे सेल सिग्नल आया। क्या हुआ कि डेटा जो है अब बिल्कुल एक जैसा है आमने सामने और वीवैप लेवल से निफ्टी नीचे काम कर रहा है। उसके बाद आप देखें दोबारा से ये सेम रहा, यहाँ पे वीवैप के ऊपर जो ही मार्केट आई तो इसने बाय सिग्नल दिया। अभी यहाँ पे देखें आप 91 लाख का, अभी भी हमारा सॉफ्टवेयर बाय सिग्नल दे रहा है, ये एक वीवैप लेवल है, ये वीवैप लेवल का सिग्नल है, हमने फॉलो इसको करना है, ठीक है। अभी यहाँ 85 है या 93 हुआ, 82 पे ही मार्केट घूम रहा था काफ़ी टाइम से, 882 इसके लगभग ही मार्केट काफ़ी देर घूमा, और यहाँ पे डेटा में एक स्पाइक आया जो इसको 85 से 83 लेके गया, इसको 93 से 98 लेके गया, मतलब एक 15 मिनट में काफ़ी बड़ा लगभग 5 से 6 लाख का यहाँ पे बिल्डअप हुआ, और यहाँ से बिल्डअप लगभग 2-2.5 लाख का बिल्डअप कम हुआ। उससे यहाँ पे जैसे देखें ओपन इंटरेस्ट का डेटा में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ और बाई सिग्नल मार्केट ने 50,833 के ऊपर क्लोज किया, वीवैप लेवल ने भी बाई दे दिया।
उसके बाद आप देखें 11:15 से लेके 3:30 तक कंटिन्यू मार्केट ने बाय बताया और मार्केट ने प्रूव भी किया कि यस बाय, और बुलिश ही रहा पूरे दिन। ये सुबह क्या भाई, आप देखेंगे ये एक घंटे में आपने सिर्फ चौपी मार्केट देखा, 8:22 से 8:23 ये लेवल से मार्केट बार बार टच करके घूमते ऊपर नीचे चलता रहा। तो गाइस बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इसमें स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा सेक्टर है जिसको आप सेलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हो, या कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें ओपन इंटरेस्ट किसी स्टॉक्स में अच्छा बिल्डअप हो रहा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में ऑटो टेंडर का ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू जो है आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा, मतलब वीक में एक दो बार का दिन जो रहते हैं कंटिन्यू अपडेट मिलता है। मैक्सिमम इसको हम नियर एक्सपायरी ही यूज़ करते हैं, काफ़ी बढ़िया तब बिल्डअप होता है, और जो है जैसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग में काफ़ी बढ़िया काम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।